हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब मौज बहार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल अपना बेलमेंट हो गया था, आज हम रिवीजन करेंगे प्लेज का। किसका प्लेज? स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्लेज? प्लेज क्या होता है? एडजस्ट कर लूँ। व्हाट इज प्लेज? प्लेज होता है इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट इन विच गुड्स को रखा जाता है। किसके पास गुड्स को रखा जाता है? पॉनी के पास, एज अ सिक्योरिटी। गुड्स को किसके पास रखा जाता है? पॉनी के पास, एज अ सिक्योरिटी। क्लियर है? बोलता क्या है? द बेलमेंट ऑफ गुड्स, द बेलमेंट ऑफ गुड्स, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस इज कॉल्ड प्लेज। हुआ क्या? प्लेज इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट जिसमें 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 गुड्स को किसके पास रखा जाता है? गुड्स को किसके पास एज अ सिक्योरिटी रखा जाता है? तो गुड्स को एज अ सिक्योरिटी रखा जाता है किसके पास? पॉनी के पास। क्लियर है? इन दैट केस गुड्स का जो बेलमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल गुड्स ही होना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा गुड्स होना चाहिए? फिजिकल गुड्स, राइट? ओके। तो जो इंसान गुड्स देगा, जो इंसान गुड्स देगा वो कौन होगा? पॉनर। कौन होगा? पॉनर। और जिसे देगा, और जिसे देगा वो कौन होगा? वो होगा पॉनी। यानी कि यहां पर बेलर को पॉनर बोलते हैं और बेली को पॉनी। बेलर पॉनर, बेली पॉनी, बेलर पॉनर, बेली पॉनी। ओके। तो इसका एसेंशियल एलिमेंट क्या हुआ? किसका? प्लेज का। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? देयर शैल बी अ बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, ये क्या होता है? प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए एज अ सिक्योरिटी जो गुड्स बेल करते हैं उसको बोलते हैं प्लेज। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? प्लेज ऑफ गुड्स। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? प्लेज ऑफ गुड्स। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? प्लेज ऑफ गुड्स। एंड गुड्स जो प्लेज किया गया है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। गुड्स जो प्लेज किया गया है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। गुड्स जो प्लेज किया गया है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ध्यान दो यहाँ, गुड्स जो प्लेज किया गया है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए और यहाँ पे डिलीवरी भी होना चाहिए गुड्स का फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी, यानी फ्रॉम पॉनर टू पॉनी। क्लियर है? ओके सर। अब देखिए, राइट ऑफ पॉनी अब प्लेजी क्या होगा? अरे पॉनी कौन? जिसके पास गुड्स रखा गया उसका राइट क्या होगा? राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स। एक बात बताओ, जब तक आप पैसे उसको लौटा नहीं देते, जब तक उसका पेमेंट हो नहीं जाता, क्या तब तक वो तुम्हारा गुड्स रिटेन करेगा? हाँ भैया, वो आपका गुड्स रिटेन करेगा। ठीक है, राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स, द पॉनी में रिटेन द प्लेज गुड नॉट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बट फॉर इंटरेस्ट ऑफ द डेट एंड ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ पोजेशन और फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स। सुनना, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करने के लिए ही वो आपका गुड्स प्लेज नहीं कर सकता है, एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए भी, नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए भी वो आपका गुड्स प्लेज कर सकता है और अगर डेट का कुछ इंटरेस्ट है उसके लिए भी वो गुड्स को प्लेज कर सकता है। ओके। नाउ रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट, रिटेंशन ऑफ, राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट। देखो, अगर एक से ज्यादा डेट है तो जब तक सारे डेट पे ऑफ नहीं हो जाते तब तक वो प्लेजी के पास राइट है गुड्स को रिटेन करने का, राइट? जब तक सारे डेट पे ऑफ नहीं हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो भी इनकर हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो भी इनकर हुआ है वो क्या होगा? देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो भी हुए हैं वो क्या करना पड़ेगा? इनकर किया
है पॉनी ने, वो रिम्बर्स करना पड़ेगा किसको, पॉनर को। ठीक है, अब एक बात बताओ से फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना कार किसी के पास प्लेज कर दिया, ठीक है, मैंने अपना कार किसी के पास प्लेज किया हुआ है, तो जिसको प्लेज किया है वो कार को तो भैया वो ठीक ठाक करके रखेगा ना, यानी कंडीशन में रखेगा ना, और उसको कंडीशन में रखने के लिए उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पे करने होंगे, तो वो एक्सपेंस तो मेरे से रिकवर करेगा। क्लियर है? हाँ। पॉनी राइट वेयर पॉनर मेक डिफॉल्ट। ए सुनना, अगर पॉनर डिफॉल्ट करता है, अगर पॉनर डिफॉल्ट करता है तो पॉनी का राइट है वहां पे। हाँ राइट है, अगर डेट के पेमेंट में, अगर डेट के पेमेंट में पॉनर डिफॉल्ट कर दे, अगर डेट के पेमेंट में पॉनर डिफॉल्ट कर दे तो पॉनी का राइट है वो गुड्स को क्या करने का, रिटेन करने का। और सुन क्या क्या राइट होगा, पॉनी हैज द फॉलोइंग राइट। सबसे पहला, पॉनी मे ब्रिंग सूट। अरे केस कर सकता है क्या पॉनर के ऊपर? हाँ जी केस कर सकता है, किस चीज के लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ डेट, फॉर द पेमेंट ऑफ डेट, फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और प्रॉमिस एंड रिटेन द गुड्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, और वो गुड्स को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी अपने पास क्या करेगा, रिटेन करके रखेगा। सेकंड, पॉनर चाहे तो, सॉरी पॉनी चाहे तो नोटिस देके गुड्स बेच सकता है, पॉनी चाहे तो नोटिस देके, रीजनेबल नोटिस देके, रीजनेबल नोटिस देके गुड्स को बेच सकता है। अरे कितना दिन वेट करेगा, अगर आप स्पेसिफाइड टाइम में पेमेंट नहीं करते हैं तो पॉनी हैज अ राइट कि वो आपको एक रीजनेबल नोटिस दे और वो आपको गुड्स सोल्ड कर दे। क्लियर? ओके, ये क्या था, ये था राइट ऑफ पॉनी, ये था राइट ऑफ पॉनी या प्लेजी। अब पॉनर का क्या राइट है, पॉनर का राइट क्या होगा, पॉनर का राइट क्या होगा, पॉनर का राइट होगा राइट टू रिडीम। अरे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में पॉनी, पॉनर पॉनी को पेमेंट दे देता है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में पॉनर जो है वो पॉनी को डेट चुका देता है, वो पॉनी का डेट चुका देता है, तो उसके पास राइट है अपना गुड्स वापस लेने का, उसके पास राइट है अपना गुड्स वापस लेने का। क्लियर है? ओके, ये था राइट टू रिडीम, किसके पास, पॉनर के पास या प्लेजर के पास। क्लियर है? अब देखो ड्यूटी क्या होगा पॉनी का, ड्यूटी टू टेक केयर रीजनेबल, ड्यू टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ प्लेज गुड्स, यानी पॉनी के पास जो गुड्स प्लेज किया है उसका देखभाल करें। दूसरा, अनऑर्थोराइज यूज नहीं करे, दूसरा अनऑर्थोराइज यूज नहीं होना चाहिए उस प्लेज्ड गुड्स का। क्लियर? हाँ जी। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स व्हेन द डेट हैज बीन रीपेड और प्रॉमिस हैज बीन परफॉर्म्ड। ये सुनना, मान ले पॉनर ने अपना ड्यूटी परफॉर्म कर दिया या परफॉर्मेंस परफॉर्म कर दिया, पॉनर ने अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म कर दिया या फिर उसने डेट चुका दिया, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनी टू रिटर्न द गुड्स। क्लियर है? राइट डू नॉट मिक्स हिज ओन गुड्स विद द गुड्स प्लेज। पॉनी का ड्यूटी है कि वो अपने गुड्स के साथ प्लेज किए हुए गुड्स को मिक्स ना करे। पॉनी के पास, ये पॉनी की ड्यूटी है कि प्लेज किए हुए गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स ना करे। क्लियर? फिर बोलता है ड्यूटी नॉट टू डू एनी एक्ट विद चीज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म ऑफ द प्लेज। देखो ये पॉनी की क्या है, पॉनी की ड्यूटी है कि वो कोई ऐसा इनकंसिस्टेंट काम ना करे, ठीक है, जिससे कि प्लेज के टर्म्स अफेक्ट हो। क्लियर? ओके, ड्यूटी टू रिटर्न असर्शन टू द गुड्स, ठीक है, और अगर गुड्स से वो कुछ बेनिफिट डेराइव हुआ है तो वो भी उसको लौटाना पड़ेगा। ये किसका ड्यूटी था, ये था ड्यूटी पॉनी का। पॉनर का ड्यूटी क्या है, पॉनर का ड्यूटी क्या है, पॉनर का ड्यूटी सबसे पहला ड्यूटी है लाइबल टू पे द डेट, पहले सबसे पहला ड्यूटी है लाइबल टू पे द डेट। क्लियर है?
ड्यूटी ऑफ पॉनर टू कंपनसेट पॉनी। अरे पॉनर का ड्यूटी है कि वो पॉनी को कंपनसेट करेगा, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर हुआ है उसके गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए वो रिटर्न करेगा। ये दूसरा ड्यूटी है। तीसरा ड्यूटी है, पॉनर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसके प्लेज किए हुए गुड्स में क्या फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है। ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कि उसका प्लेज किया हुआ गुड्स पॉनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क लेने के लिए मजबूर कर दे। क्लियर है? ओके बोलता है कि डिफेक्ट की वजह से, ड्यू टू डिफेक्ट, अगर पॉनी को लॉस हुआ है, ड्यू टू डिफेक्ट अगर पॉनी को लॉस हुआ है, ठीक है, तो पॉनर को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। तो पॉनर को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, तो पॉनर को क्या करना पड़ेगा, पॉनर को करना पड़ेगा इंडेमनिफाई। क्या? इंडेमनिफाई। क्लियर है? ओके नाउ द लास्ट वन इज, इफ द पॉनर सेल द गुड्स ड्यू टू डिफॉल्ट बाय द पॉनर। देख, मान ले कि पॉनर जो है वो पेमेंट नहीं कर रहा था डेट का, और पॉनी ने रीजनेबल नोटिस दे के गुड्स को बेच दिया। अगर गुड्स के बेचने के बाद भी पॉनर पॉनी को पूरा पैसा कलेक्ट नहीं हुआ, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो पॉनी को पे करेगा कौन? पॉनर। मान लो 100 रुपए का गुड्स तुमने प्लेज किया था, और ए से फॉर एग्जाम्पल है, 100 रुपए तुमने क्या किए थे, 100 रुपया लोन लिया था, 100 रुपया क्या लिया था, लोन लिया था, तुमने गुड्स प्लेज किया। गुड्स प्लेज करने के बाद जो गुड्स बिका तुम पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो पॉनी ने क्या किया, रीजनेबल नोटिस दे के तुम्हारा गुड्स बेच दिया। गुड्स बेचने के बाद मात्र 90 रुपए क्या हुए, कलेक्ट हुए, बट तुमने तो लिए थे 100, रिकवर हुए 90। तो वो जो 10 रुपए है वो तुमको देना पड़ेगा, बट अगर वो गुड्स बिका 110 में, तो पॉनी तुमको 10 रुपए लौटाएगा। ठीक है, सरप्लस है तो वो वापस कर देगा, डेफिसिट है तो वो तुमको देना पड़ेगा। क्लियर? हाँ भैया क्लियर। ओके चलो आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर कल। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबा दो यार, और वीडियो को ढेर सारा प्यार दो। थैंक यू सो मच।